हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक टेल्स ऑफ लाइफ का पहला चैप्टर द अम्ब्रेला, उसके जो दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो लेकर आए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन, करेक्टर स्केच ऑन मैडम ओरियल। मैडम ओरियल द अम्ब्रेला कहानी की नायिका है। वह छोटे कद वाली, साफ सुथरी, 40 साल की झुर्रियों वाली महिला थी। उसका स्वभाव अनिश्चित था। वह अपने पति पर कठिनाइयां थोप दिया करती थी। वह एक कंजूस महिला थी। वह छोटे से छोटे सिक्के का महत्व जानती थी। वह अपने धन में वृद्धि करने के लिए कई नियम और मुहावरे जानती थी। उसकी नौकरानी धोखा देकर या बेईमानी से उससे कोई पैसा नहीं ले सकती थी। उसके पति को उससे जेब खर्च लेने में कठिनाई होती थी। जब उसे कोई आवश्यक खर्च करना पड़ता था तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह अपनी इच्छाओं का अपने पति से सम्मान करवाती थी। उसे और अधिक धन जमा करने योग्य बनाने के लिए उसका पति मुख्य क्लर्क के रूप में काम करता था। पैसा बचाने के लिए वह अपने पति की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करती थी। उसने अपने पति के लिए एक सस्ता छाता खरीदा और उसे अपने सहकर्मियों में हंसी का पात्र बना दिया। वह उसके लिए एक रेशमी छाता खरीदने के लिए मान गई। जब किसी ने छाते में छेद कर दिया, उसने उसे बहुत गालियां दी। जब छाता पूरी तरह से जल गया, उसने उसके विरुद्ध बहुत से कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। उसने उसके लिए कोई छाता खरीदने से इनकार कर दिया। उसके पति ने त्याग पत्र देने की धमकी दी यदि उसे नौकर के छाते के साथ दफ्तर जाने को कहा गया। वह धन के लिए, अपने लालच की संतुष्टि के लिए बीमा कंपनी से मुआवजा लेने का प्रयत्न करने को मान गई। मुआवजा लेने के लिए उसने झूठ बोला। उसने छाता जलने की झूठी कहानी बताई। उसने चतुराई से बीमा कंपनी के मैनेजर को छाते पर दोबारा कवर चढ़ाने के लिए पैसे देने के लिए मनवा लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, थीम ऑफ द स्टोरी द अम्ब्रेला। कहानी इस विषय वस्तु पर आधारित है कि अमीर लेकिन कंजूस लोग तुच्छ और कमीना कहलाने की परवाह नहीं करते। यदि वे कुछ धन प्राप्त कर सकें, वे पैसे के मामले में वो बहुत हिसाब लगाने वाले होते हैं। वे छोटे से सिक्के की भी कीमत जानते हैं। वे आवश्यकताओं पर भी खर्च करना पसंद नहीं करते। विषय वस्तु एक अमीर लेकिन कंजूस स्त्री मिसिस ओरियल के माध्यम से विकसित की गई है। वह धन इकट्ठा करने के लिए स्वयं को एक साधन से भी घटिया बना लेती है। वह बहुत कंजूस है। वह अपने पति को भी बहुत जरूरी आवश्यकताओं पर खर्च करने की आज्ञा नहीं देती। दंपत्ति का कोई ना ही बच्चा है और ना ही उन पर कोई वित्तीय संकट है या जिम्मेवारी है। मिस्टर ओरियल को अपनी पत्नी के दबाव में एक दफ्तर में काम करना पड़ता है। मिस्टर ओरियल अच्छी जीवन शैली रखना चाहता है क्योंकि वे खर्च कर सकते हैं। मिसेज ओरियल पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहती है। वह अपनी पति को चेतावनी देती है कि सुरक्षित पक्ष में होना बेहतर है और कोई नहीं जानता कि क्या घट जाए। मिस्टर ओरियल अपने दफ्तर में पुराना छाता लेकर जाता है और उसके सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा छाता ठीक नहीं निकलता। वह उसके लिए रेशमी छाता खरीदती है क्योंकि वह नौकरों वाला छाता लेकर ना जाने पर त्याग पत्र देने की धमकी देता है। इस छाते के पूरे रेशमी कपड़े पर छेद पाए जाते हैं। जले छाती की हानि से पति पत्नी के भी झगड़ा होता है। अंत में मिसिज ओरियल मुआवजे का दावा करने के लिए बीमा कंपनी के दफ्तर जाती है। बीमा कंपनी का मैनेजर उसे बताता है कि वे रुमाल, झाड़ू या पुराने स्लीपरों जैसी तुच्छ वस्तुओं के लिए मुआवजा नहीं देते। मिसेज ओरियल तुच्छ और कमीना समझे जाने की परवाह नहीं करती। वह मैनेजर को दोबारा कपड़ा चढ़वाने की आज्ञा देने के लिए और बिल अदा करने के लिए मना लेती है।